नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आइए नजर डालते हैं मॉर्निंग अपडेट्स पर। आखिरी दिन कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 4 गोल्ड समेत 6 पदक हासिल किए। बॉक्सिंग और कुश्ती में भारत ने मचाई धूम। 61 में से 17 पदकों पर किया हरियाणा के खिलाड़ियों ने कब्जा। हरियाणा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। शिक्षा नीति और उर्वरकों पर रहेगा विशेष ध्यान। हरियाणा के सोनीपत जिले में एक युवक को 12 गोलियां मारकर की गई हत्या। शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। हरियाणा के कॉलेजों में दाखिले के लिए पोर्टल हुआ बंद। 12 अगस्त को लगेगी पहली मेरिट सूची। पानीपत शहर की अंसल सुशांत सिटी एक बार फिर विवादों में। सोसाइटी के CTO की वैधता 31 मार्च 2021 को खत्म हो चुकी है, पर अब तक रिन्यू नहीं किया गया। STP प्लांट भी जरूरत के हिसाब से नाकाफी। पानीपत कोर्ट ने पत्नी के हत्यारे को सुनाई उम्र कैद की सजा। एकादशी के दिन खाटू श्याम में मची भगदड़। भगदड़ में दबने से 3 महिला की मौत, 3 महिला घायल और एक पुरुष भी शामिल है। 50 से ज्यादा ट्यूबवेल पर बिजली कनेक्शन नहीं है। लोगों की पानी की जरूरत को देखते हुए बिजली की चोरी से चलाए जा रहे ट्यूबवेल। राशन डिपो पर पहुंचे 40,000 के करीब झंडे। डिपो होल्डर्स का कहना कि धार्मिक संस्थाएं फ्री में बांट रही है झंडे। डिपो होल्डर्स ने सरकार से अपील की है कि अगर धार्मिक संस्थाएं ऐसे ही फ्री में झंडे बांटती रही तो उनसे कौन खरीदेगा। पानीपत DEO ने 27 सरकारी स्कूलों को डिजिटल बनाने का लिया फैसला। जल्द ही लिया जाएगा स्कूलों का ब्यौरा। अब तक के लिए इतना ही। ऐसी ही अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए सिटी तहलका। नमस्कार।